सब्सक्राइब करिए कमल विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ऑल पर और पाइए हमारे नए नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कमल विश्वकर्मा में। तो फ्रेंड्स, मैं कमल विश्वकर्मा। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में ITI की बहुत ही बड़ी खबर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फ्रेंड्स, आप लोगों का ITI संस्थान कोचिंग क्लासेस आप लोगों का कब तक खुलने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों का ITI संस्थान जो है वो COVID-19 के कारण बंद चल रहा है। और आप लोगों का ITI संस्थान जुलाई में खुलने वाला था, लेकिन फ्रेंड्स अब यह कैंसिल कर दिया गया है। अब आप लोगों का ITI संस्थान कोचिंग क्लासेस आप लोगों का कब तक खुलने वाला है COVID-19 को देखते हुए, मैं फ्रेंड्स आप लोगों को प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से एक लाइक कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग ITI की पल पल की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स हमारे अगले वीडियो का अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचता रहे, क्योंकि आपको इस चैनल पर ITI की पल पल की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रेंड्स मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है ITI फैमिली ग्रुप। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे ITI फैमिली ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो फ्रेंड्स आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग फटाफट जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक पर क्लिक करिए और आप लोग आज ही जुड़ जाइए हमारे ITI फैमिली ग्रुप से और आप लोग भी इसका लाभ उठाइए, क्योंकि फ्रेंड्स ITI का कोई भी नोटिस आता है तो सबसे पहले आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। और फ्रेंड्स, ITI स्टूडेंट अपना ग्रुप डिस्कस भी करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स आप लोग फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और आप लोग आज ही जुड़ जाइए हमारे ITI फैमिली ग्रुप से। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं, मैं फ्रेंड्स आप लोगों को एक न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आपका इसमें दिया गया है कि अब अगस्त के बाद ही खुलेंगे स्कूल व कॉलेज। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप लोगों का ITI कॉलेज कोचिंग क्लासेस स्कूल कॉलेज जो भी आप लोगों का है वो फ्रेंड्स अब आप लोगों का अगस्त के बाद ही खुलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों का COVID-19 को देखते हुए ही आप लोगों का फैसला लिया गया है कि अब आप लोगों का कॉलेज कोचिंग क्लासेस जो भी है वो आपका अगस्त के बाद ही खुलेगा। और फ्रेंड्स आपका जुलाई में खुलने वाला था, लेकिन फ्रेंड्स अब वो कैंसिल कर दिया गया है। और फ्रेंड्स आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, फ्रेंड्स ये नई दिल्ली का न्यूज़पेपर है जो कि इसमें आपका दिया गया है, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि सभी स्कूलों को अगस्त तक बंद रखने का फैसला लिया गया है और अगस्त के बाद स्थिति कैसी रहती है उसको देखते हुए ही इस पर आगे फैसला लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप लोग इसमें भी आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें आपका दिया गया है 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल व कॉलेज। जी हां फ्रेंड्स, अब आप लोगों का COVID-19 के मद्देनजर रखते हुए फ्रेंड्स अब आप लोगों का ITI संस्थान कोचिंग क्लासेस स्कूल कॉलेज जो भी आप लोगों का है वो अब 15 अगस्त के बाद ही खोले जाएंगे। और फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, फ्रेंड्स आपका दिया गया है नई दिल्ली का न्यूज पेपर है और ये एजेंसिया का न्यूज पेपर है जो की इसमें आपका दिया गया है, छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के हफ्तों भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूल और कॉलेज को अगस्त के बाद फिर से खोला जाएगा, संभवतः 15 अगस्त के बाद शैक्षणिक संस्थान खुल जाएं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने एक इंटरव्यू में यह बात कही है, उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त तक सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों का COVID-19 को देखते हुए फ्रेंड्स आप लोगों का अब ITI संस्थान कोचिंग क्लासेस स्कूल कॉलेज आप लोगों का 15 अगस्त के बाद ही खुलने का निर्णय लिया गया है। आप लोगों का जुलाई में खुलने वाला था, लेकिन फ्रेंड्स अब वो कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जिन कोर्सों का रिजल्ट नहीं आया है तो फ्रेंड्स उनका रिजल्ट आने की संभावना बनी हुई है, जैसा कि इसमें आपका दिया गया है कि 15 अगस्त तक सभी परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो फ्रेंड्स आप लोग इसे एक लाइक शेयर कमेंट सब कर लें और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।